नमस्कार दोस्तों, जब मैकेनिक, मेरे सामने एक बाइक है और वो बाइक है मेरे दोस्त यानी डिस्कवर 125 सीसी, ठीक है। और उसका हमको यानी इंजन के विषय में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि ये इंजन इसका खुला हुआ है तो ये इसका गियर बक्सा की फिटिंग कैसे किया जाता है उसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे मेरे दोस्त। क्योंकि क्या होता है, जब हम कभी कभी क्या होता है कि जब तक जानकारी नहीं होती है तब तक अगर कोई दूसरे भाई ने खोला और हमारी दुकान है और हमको बांधने समय अगर कोई वाशर भी इधर उतर होता है तो दिक्कत होती। तो मेरे दोस्त देखिए, हम आपको एक गियर बक्से की यानी हम पहले आपको यानी ये सिस्टम है आपको दिखा देते हैं मेरे दोस्त। और ये आप देख लें मेरे दोस्त कि यानी गियर बक्से का यानी पूरा सिस्टम है। और ये एक एक वाशर के विषय में आपको जानकारी देंगे मेरे दोस्त। देखिए ये जो ये आउटपुट शाफ्ट है और ज़्यादातर इसमें कहीं कुछ छेड़ा नहीं जाता है। हाँ, इसमें जैसे पल्सर के तरीके ही डिज़ाइन किया गया है मेरे दोस्त, और जैसे पल्सर में गियर होता है उसी प्रकार इसमें भी गियर बनाए गए हैं कंपनी ने, सेम उसी डिज़ाइन में बनाया गया, ठीक। जैसे उसकी फिटिंग है उसी प्रकार इसमें भी फिटिंग है, ठीक। तो इसमें क्या है मेरे दोस्त, यानी ये जो ये है यानी ये गियर जो होता है यही गियर इसमें लगता है। और इसमें अगर हम उल्टा लगाएंगे तो ये लग तो जाएगा लेकिन ये फिटिंग सही नहीं होगा। तो इसमें छोटी गरारी इधर अंदर और फिर उसके बाद ये बुश लगा करके मेरे दोस्त ये, और उसमें फिर एक ये वाशर, ठीक, दो वाशर, ठीक। और फिर उसके साथ साथ ये वाली जो शाफ्ट है ये वाली, ठीक, इसमें भी एक वाशर लगती है मेरे दोस्त, यानी यहाँ पर भी कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक। एक गियर लगता है और एक गियर फिर वाशर, ठीक, और फिर यहाँ पर एक सिर्फ लॉक लगता है और कोई वाशर नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर एक वाशर लगा दिया मेरे दोस्त और ये गियर, ठीक, यहाँ पर एक गियर लगा करके ये। और इसमें कुछ भी ऐसा टेक्निकल नहीं है लेकिन जब तक जानकारी ना हो तब तक दिक्कत होती है। देखिए मेरे दोस्त, इसको क्या होता है, लगाते समय ऐसे सिस्टम पोजीशन करना है और इस पोजीशन में क्या करना है हमको आपको, यानी यहाँ पर पकड़ लेना है, ठीक, यहाँ पर ऐसे दबा लेना है, इसको दबा लेते हैं, ऐसे लगा लिया एक उंगली से यानी पकड़ लिया इस तरीके से, यानी वो इधर उधर ना सटके, ठीक है। और देखिए यहाँ पर यानी ये पल्ला है, पल्ले को भी देख लीजिए भैया, यहाँ पर यानी रोलर बैरिंग और यहाँ पर रोलर बैरिंग और ये इस तरीके से, ठीक मेरे दोस्त। देखिए इस तरीके से यानी हमने उसको उंगली से पकड़ करके और तब बैठाना, ठीक। और बैठालते समय थोड़ा सा क्या करना है कि ये जो गियर फॉर्क है, ठीक है, इसको भी ध्यान देना है कि ये जो घेरा है, ये जो घेरा है ये दोनों इस तरीके से लगेंगे कि ये आमने सामने, यानी जो जिसमें ज़्यादा घेरा है वो यानी इधर से अंदर साइड यानी इस तरीके से लगेगी इस पोजीशन में, ठीक। यही विशेष करके डिस्कवर बाइक के इंजन में दिक्कत यानी समझना चाहिए मेरे दोस्त, बाकी और इसमें कोई विशेष करके प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी में मैकेनिक भाई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जब इस पोजीशन पे ये रहेगा और ये घेरा इस पोजीशन पे यानी ये घेरा यानी इसका घेरा जो है ये ज़्यादा वाला सिरा ऊपर को है, ठीक, यहीं पर यानी कंफ्यूजन होती है मेरे दोस्त। तो ये देखिए आपको हमने पूरा बैठाना नहीं था क्योंकि थोड़ा सा ये यहाँ पर बैठने में दिक्कत करता है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और ये पिन आप समझिए, ठीक, और ये बताया आपको कि ये जो ज़्यादा वाला घेरा होता है मेरे दोस्त इस साइड से ऐसे ये यहाँ, ठीक, और ये न्यूट्रल पोजीशन पे है मेरे दोस्त उस तरीके से, यानी ये हो गया। और उसके साथ साथ इसमें जो क्रैंक है वो हमको यानी प्यार से बैठा लेना है, देखिए मेरे दोस्त यानी क्रैंक भी बैठ गए, ठीक। इसमें कोई हथौड़ी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमको इंजन पेस्ट लगाना है, और फिर पेस्ट लगा करके और ये वाशर यहाँ पर एक वाशर यानी यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर सबसे नीचे मेरे दोस्त देखिए यहाँ पर सबसे गियर के नीचे एक वाशर यहाँ पर और एक वाशर इस वाले गियर के नीचे, ठीक। तो इस तरीके से यानी ये गियर की फिटिंग हो गई। इसके साथ साथ हम इंजन पेस्ट लगा के तब आपको फिर दिखाते हैं मेरे दोस्त। देखिए करेंग हमने इधर सेट कर लिया, ये इधर ये लगा दिया, इंजन पेस्ट चारों ओर लगा दिया, ठीक।
और यहाँ पर स्प्रिंग में ज़्यादातर हमने पल्ला को जो सेट किया है इसी में सेट किया है। स्प्रिंग को यहाँ इस तरीके से दबा देते हैं जिससे कि यानी ये गिरे ना, ठीक। और देखिए प्यार से इसको यानी यहाँ पर ज्वाइन करना है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त देखिए यानी इस तरीके से इसमें ज़्यादातर क्या होता है मेरे दोस्त यानी हथौड़ी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कहीं से भी हथौड़ी मारना पड़े और ये पल्ला बैठ गया। अब हम इसको बोल्ट टाइट करके तब आपको फिर दिखाते हैं। मेरे दोस्त देखिए यानी अब ये गियर लग गया, पहला गियर लग गया, ठीक। इस तरीके से दूसरा गियर लग गया, ठीक। और इस तरीके से तीसरा यानी एक एक गियर करके चौथा और ये पाँचवा, ठीक। तो मेरे दोस्त यानी इस तरीके से यानी गियर की जो भी यानी प्रॉब्लम थी गियर वाली, वो गियर के लिए हमने आपको बता दिया जिससे कि आपको अब कोई समस्या नहीं हो। गियर में कभी भी आपको परेशानी होती है तो उसमें सिर्फ आपको ज़्यादातर समस्या होती है हो गया मेरे, ठीक। तो इस तरीके से यानी आप देखिए अब ये उधर चला रहे हैं और ये पकड़े हैं न्यूट्रल, ठीक। तो इस तरीके से जो भी गियर की प्रॉब्लम थी यानी आपको कभी होता है तो इस तरह बिल्कुल सिंपल तरीका है और सिंपल तरीके से आप कर लेंगे। और तो बाकी इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, इसमें किक रेची टूटने की भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। किक टूट स्प्रिंग टूटने की, ठीक। उसमें लेकिन आपको डिफेंस करके तो क्या ध्यान देना है, जो यहाँ पर टेम्पर बहुत हार्ड दिया जाता है उस टेम्पर को हार्ड नहीं देना है, बिल्कुल मुलायम टेम्पर देना है। अगर हम उसको बहुत ज़्यादा स्प्रिंग को हार्ड करेंगे तो स्प्रिंग टूटेगी। आप यकीन मानिए मेरे दोस्त, हम जितनी भी बाइक मेरे पास बनती हैं तो उसमें क्या होता है कि स्प्रिंग नहीं टूटती है जल्दी से कभी भी, ठीक है। क्योंकि सिर्फ किक का मतलब होता है कि सिर्फ किक ऊपर आ जाए, स्प्रिंग का मतलब ये होता है अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा टेम्पर देंगे तो वो जल्दी स्प्रिंग टूटेगी, ठीक। देखिए कितना देना है आपको, ध्यान से देखें मेरे दोस्त, यानी टेम्पर इतना देना है कि लाइफ में कभी भी स्प्रिंग ना टूटे, ठीक। इतना देना है, इतना देखिए दिखा दें। देखिए यहाँ से उसका ग्रुप बना हुआ है, जो उस ग्रुप में यानी ये यहाँ पर वासा लगाना ज़रूरी है, ठीक। ये इसे ये ग्रुप है, यहाँ दिखा दो भैया, यहाँ पर स्प्रिंग ये खांचा इसमें जा करके और फिर ये इस तरीके से जा करके और देखिए यानी इसको देखिए यहाँ से यानी यहाँ पर, ठीक। इतना आप करेंगे मेरे दोस्त तो आपकी जल्दी से लाइफ में कभी भी यानी ये प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक। तो मेरे दोस्त हमने आपको जितनी भी जानकारी थी बताना चाहा, चाहेंगे हमारा वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।